सनसनी, आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। वृद्ध दंपति मर्डर में सनसनी खेज का खुलासा, बेटी निकली मास्टरमाइंड। नागपुर संडे को नागपुर रविवार को वाड़ी में हुए वृद्ध दंपति मर्डर प्रकरण में की गुत्थी पुलिस ने सोमवार को ही सुलझा ली है। पूरे सिटी में हड़कंप मचने वाली इस वारदात में सनसनी खेज का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की बेटी ही इस घटना की मास्टरमाइंड है और उसने अपने प्रेमी क्रिकेट के हाथों माँ बाप को मरवा डाला और उसने अपने क्रिकेटर प्रेमी के हाथों माँ बाप को मरवा दिया। क्राइम ब्रांच ने शंकर और सीमा चंपति चक्रवर्ती की हत्या के आरोप में उनकी बेटी प्रियंका उर्फ ऐश्वर्या चंपति को उसका क्रिकेटर प्रेमी इकलाक को गिरफ्तार कर लिया है। शंकर ने प्रियंका को गोद लिया था। प्रेम संबंध के बीच आ रहे माता पिता को रास्ते से हटाने के लिए बेटी ने ही अपने दिमाग का उपयोग किया। बड़े ही शातिर तरीके से अपने प्रेमी की मदद से उसने माता पिता की हत्या करवाई। प्रियंका ITI में BE करने के बाद IT पार्क स्थित कृष्णा कंसलेंट नामक कंपनी में काम करती है। वही इकला क्रिकेटर है, जिम्बाब्वे से एक टूर्नामेंट खेलकर लौटा है। शंकर के भाई विश्वनाथ के अनुसार प्रियंका 8 महीने की थी जब उसकी मां का देहांत हुआ था, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। शंकर और सीमा को बच्चे नहीं थे, उन्होंने प्रियंका को गोद लिया था। स्कूल के समय से ही इकलाक और प्रियंका के बीच संबंध थे। 4 माह पहले शंकर को प्रियंका के प्रेम संबंध के बारे में पता चला। लड़का दूसरे समाज का होने के कारण परिजनों ने विरोध किया, लेकिन दोनों इकलाक को नहीं जानते थे। माता पिता ने दत्तवाड़ी स्थित करोड़ों रुपए का मकान और फ्लैट बेचकर पुणे शिफ्ट होने का मन बना लिया था। दलालों से संपर्क भी किया जा रहा था। इस बारे में प्रियंका ने इकलाक को बताया। दोनों ने सोचा कि यदि मकान बिक गया तो प्रियंका को पुणे जाना पड़ेगा। माता पिता को प्रेम संबंध के बीच आड़े देख दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। खरबूजे में मिलाई नींद की गोली। प्रियंका और इकलाक ने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। योजना के तहत रविवार की दोपहर प्रियंका ने खरबूज काटा, पानी में नींद की गोली मिलाकर खरबूजे में डाल दी। दोपहर 12:30 बजे के दौरान खरीदारी करने जा रही हूँ, यह कहकर वह घर से निकली। खरबूज खाने के बाद शंकर और सीमा बेहोश हो गए। तभी इकलाक मुंह पर कपड़ा बांधकर घर पर पहुंचा। पालतू कुत्ते भौंके नहीं, इसलिए इकलाक के आने तक प्रियंका वहीं रुकी रही। उसने कुत्ते को संभाला और इकलाक भीतर घुस गया। नारियल काटने के चाकू से उसने पहले शंकर की हत्या कर दी, बाद में बेडरूम में सो रही सीमा को मौत के घाट उतारा। लूटपाट की कहानी रची, किसी को संदेह न हो इसलिए हत्या का लूटपाट के चलते होने की कहानी रच दी गई। इकलाक ने घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, अलमारी खोलकर कुछ जेवरात निकाल लिए। दोपहर का वक्त होने से आसपास रहने वाले अपने घर में ही थे, इसलिए उन्हें किसी को इकलाक को आते जाते नहीं देखा गया। प्रियंका ने योजना के तहत कामठी में रहने वाली अपनी मौसेरी बहन को फोन किया। उसने अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा, जहां दोनों शाम 7:30 बजे तक बिग बाजार में शॉपिंग की। इसके बावजूद जोर से शोर मचाने पर पड़ोसियों को बुलाया, रिश्तेदारों को फोन कर घटना की जानकारी दी। तब तक इकलाक अपने घर पहुंचकर कपड़े बदल कर घूमने निकल गया। उधर पूरा पुलिस महकमे को पसीना छूट गया था कि कोई इतनी बेरहमी से कैसे बुजुर्ग दंपति की हत्या कर सकता है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।